देश 75वें आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में उत्तर भारतीय मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी ब्रिजेश सिंह द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल रही। आगे आगे तिरंगा झंडे से सजे गाड़ी पर आगे आगे ब्रिजेश सिंह और उसके पीछे बाइक से हजारों की संख्या में लोग, उसके पीछे ऑटो रिक्शा देशभक्ति के रंग हुआ नजर आया। उस दौरान मालवनी चारों तरफ तिरंगा झंडा और भक्ति गाने से गूंजा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था ब्रिजेश सिंह का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी लोग भी हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव यहाँ पर मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह नारा दिया कि हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा। यह कहकर उन्होंने जो हर भारत के हर नागरिक के अंदर एक विश्वास जताया है कि हर नागरिक भारत का जो है वो इस तिरंगे की रक्षा करेगा, इस तिरंगे का सम्मान करेगा, ऐसा विश्वास जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के सभी भारत के किया है, उसके लिए उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे हैं कि पूरे जैसे पूरे देश में हर घर तिरंगा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इसी तरह से मलाड और मालौनी इस क्षेत्र में भी हम लोग ने तिरंगा यात्रा जो निकाली है। अभी तिरंगा यात्रा यहाँ से मालौनी अंबरवाड़ी से लेकर मलाड तक जाएगी और वापस यहाँ पर आर्मी गेट पर हमारे वहाँ तक आएगी। सभी कार्यकर्ता जो है हमारे वो बाइक पर, रिक्शा में और गाड़ी के साथ से तिरंगा रैली में चलेंगे। हाँ, यहाँ के हर घर के लोग रैली में शामिल हैं, चाहे जो भी है इसमें सब शामिल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तिरंगे की शान सबको प्यारी है और सभी भारत का नागरिक, सभी यहाँ के रहवासी जो है वो भी इसमें शामिल है। बीजेपी का झंडा तो लहरा ही रहा है, उस समय हम लोग खाली और खाली तिरंगे की लहरें लेने के लिए तत्पर हैं। और तिरंगा जो हमारे जैसे हमारे हाथ में आता है, आप देखते हो कि अभी तक क्या था, तिरंगा हर कोई लहरा नहीं सकता था, आज तो हर कोई तिरंगा लहरा सकता है। जैसे ही हम लोग तिरंगा अपने हाथ में लेते हैं वैसे ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा के संचार से हमारे मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि तिरंगा को हम विश्व के शिखर पर लहराएं, ऐसी भावना सभी के मन में पैदा होती है। आप देखो तिरंगा को हाथ में लेंगे तो आपके मन में आएगा कि लहराया जाए। आज इस रैली